हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। चलिए दोस्तों, हम लोग जैसा कि आपको पता है रेलवे के लिए एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, और जिसमें हम ALP, RPF, कॉन्स्टेबल SI एग्जाम कवर कर रहे हैं, और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसमें भी मैथ्स आता है, अपन सभी के लिए ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो पैटर्न मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे के सारे भाई जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता है, डिस्काउंट हमारा हो चुका है, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से जुड़े जितने भी हमारे MCQs हैं, जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। रैंडमली क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, तो फटाफट से एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे और अपने इस सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम हमारा सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। पहला सवाल आप लोगों के सामने है दोस्तों। पहले सवाल में दिया हुआ है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पे देना होगा। देखो दोस्तों, साधारण ब्याज में हमारे बस एक ही फॉर्मूला काम आता है। अगर आपको वो आता है तो आप ध्यान से मेरी बात को समझोगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार साधारण ब्याज जो हमारा होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो हमारा होता है, वो हमारा होता है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। ओके, अब मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। ब्याज दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे 150 रुपया, ब्याज आपको यहाँ पे 150 रुपये दिया हुआ है, मूलधन आपको बताना है, दर आपको 4% दिया हुआ है। अब बात करेंगे टाइम। देखो, टाइम जो आपको दिया हुआ है वो 6 माह दिया हुआ है दोस्तों। टाइम कभी भी आ जाए तो इसे आप साल में जरूर बदलेंगे। 6 माह, माह को साल में बदलने के लिए आप 12 का भाग दे सकते हो, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 1/2 वर्ष। टाइम हमारा कितना आ जाएगा बताओ? 1/2 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा। तो टाइम की जगह हम 1/2 वर्ष लिख देंगे। देखो, मूलधन दर समय, समय हमारा 1/2 है क्योंकि हमने परसेंटेज हटाया है, तो नीचे 100 भी आ जाएगा आपका। ओके, तो देखो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। और भी एक तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा, आसान बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले आप ये वाला तरीका समझिए। ब्याज देखो, ब्याज कितना दिया हुआ है? 150 रुपये आपको दिया हुआ है, तो मैंने ब्याज की जगह 150 रख दिया। मूलधन तो हमें बताना ही है भैया, राशि बतानी है तो मतलब मूलधन बताना है, कितने रुपए को देना है 6 महीने के लिए, तो मूलधन तो बताना ही है। दर की अगर बात करें तो दर आपको 4% यहाँ पे दिया हुआ है, दर आपको 4% यहाँ पे दिया हुआ है। समय, समय देखो दोस्तों, 6 महीने दिया हुआ था। 6 महीने को अगर आप साल में बदलोगे ना भाई, तो साल में बदलने के लिए आप जानते हो 12 का भाग लगेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2 साल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 1/2 साल हमने रख दिया, और बटे में 100 तो आता ही है। देखो भाई, अगर आप काटो इसको तो 4 से कट जाएगा 25 बार, और आप जानते हो 25 दुनी 50 होता है, ये 50 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो मूलधन जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 150 गुणा 50। कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? 150 गुणा 50, 150 गुणा 50 करेंगे, 15 5 75, यानी कि ये आ जाएगा 750 रुपये। तो हमारी जो राशि आएगी, 15 5 75, 2 0 है भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 7500 रुपये। ओके, तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी भाई बहनों ने बी बताया है, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो दोस्तों, इस सवाल को करने का हमारे पास एक और तरीका भी है। तरीका क्या होता है, आप ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। आप मुझे ये बताओ, हमारा जो साधारण ब्याज होता है, हमारा जो साधारण ब्याज होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये होता है कि नहीं होता? अब आप मुझे खुद बताओ थोड़ी देर के लिए भाई, अगर मैं परसेंटेज ना हटाऊंगा तो बटे में 100 भी नहीं आएगा, यानी कि परसेंटेज अगर मैं यहाँ पे रखूँ एज इट इज, कि भाई तो बटे में 100 नहीं आएगा। ओके, दूसरी बात, अगर मैं प्रिंसिपल को कांस्टेंट ले लूँ थोड़ी देर के लिए, प्रिंसिपल आप भूल जाओ, तो जो टोटल ब्याज लगता है वो दर गुणा समय के हिसाब से लगता है, दर गुणा समय के हिसाब से लगता है। इसका मतलब क्या है? मान लो दोस्तों, आपने 4 साल के लिए कोई पैसा उधार लिया, और यहाँ पे ब्याज की दर आपने 5% के हिसाब से ले ली, तो 4 साल के लिए आप 5% के हिसाब से अगर पैसा उधार लोगे ना दोस्तों, तो ये आपके पास कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा? ये आपके पास 20% ब्याज हो जाएगा, ठीक है भाई?
प्रत्येक साल का बराबर होता है। साधारण ब्याज का एक छोटा सा नियम होता है कि साधारण ब्याज हमारा प्रत्येक साल का बराबर होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो भाई देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। भाई आप मुझे खुद बताओ, 4 साल के लिए आप पैसा ले रहे हो, 5% के हिसाब से ले रहे हो, तो टोटल ब्याज 20% लगेगा कि नहीं लगेगा? इतना तो आप समझते हो ना मेरे भाई, ठीक है? अब मेरी बात को सुनना, यहाँ पे पता है क्या दिया हुआ है, 4% की दर से 6 महीने का ब्याज निकालना है। एक बात आप हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि जो दर होती है ना, दर वो हमेशा वार्षिक होती है। जैसे ये 4% है तो ये वार्षिक है, ये बात आप हमेशा जीवन में याद रखना कि जो दर होती है वो हमेशा वार्षिक होती है। तो भाई देखो, 4% वार्षिक की अगर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, वार्षिक का मतलब सालाना होता है। तो मुझे खुद बताओ, अगर साल में 4% लगेगी तो 6 महीने में तो मेरे भैया 2% लगेगी। 6 महीना तो आधा साल हो गया। तो देखो भाई, ध्यान दे लो, आधे साल में अगर आप 4% के हिसाब से ब्याज लगाओगे तो टोटल ब्याज आपका 2% लगेगा। टोटल ब्याज आपका कितना परसेंट लगेगा? 2% लगेगा। ये आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि पूरे साल में 4% लगेगी तो 6 महीने में कितने परसेंट लगेगी। आप कहोगे सर 6 महीने में 2% लग जाएगी। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यार ब्याज 2% लग रहा है जिसका मान सवाल में 150 रुपया दिया हुआ है? 2% का मान 150 रुपया दिया हुआ है। देखो भाई, जो अपना ब्याज होता है ये लाभ हानि होता है, बट्टा होता है, सारा का सारा परसेंटेज का खेल है। अगर आप परसेंटेज बेहतरीन तरीके से पढ़ते हो ना, तो निश्चित रूप से यहाँ भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस वही आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, भाई 4% तो साल में लगेगा तो 6 महीने में 2% ही लगेगा, और 2% का मान 150 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिएगा, 2% 150 आएगा, तो 1% का मान 75 आ जाएगा। 1% का मान 75 आ जाएगा। अगर 1% का मान 75 आ जाएगा ना, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 7500। 100% का मान कितना आ जाएगा? 7500। भाई 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो हमारे सवाल का जो एकदम राइट आंसर आएगा दोस्तों, वो 7500 आ जाएगा। यानी कि 7500 हमारे सवाल का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है ये सवाल बेहतरीन तरीके से आप सभी भाइयों को समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस करना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सीखें। मतलब पढ़ना नहीं है, सीखना है, सीखना है, ताकि इस पैटर्न का अगर आप कोई और भी सवाल भविष्य में कर पाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और हम भी यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं दोस्तों, पढ़ाना अलग होता है, हम यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सिखाना है आप सब लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है? तो अगला सवाल आपके सामने है और 30 सेकंड में आप इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत गजब सवाल है दोस्तों, सवाल पढ़ो। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 साल में स्वयं की 7/6 गुणा हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, अच्छे अच्छे सवालों से हम शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम आसान सवाल ही करेंगे, बिल्कुल 0 से लेके हीरो लेवल तक बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल भी करवाऊंगा, मॉडरेट लेवल भी कराऊंगा, टफ लेवल भी करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, आप भी जानते हो। देखो, सबसे बड़ी बात होती है सवाल की भाषा को समझना। सबसे बड़ी जो बात होती है सवाल की भाषा को समझना। सवाल क्या कह रहा है? अगर कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 साल में स्वयं की 7/6 गुणा हो जाती है। याद रखना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए हो जाती है, तो बात मिश्र धन की कर रहा है। राशि हो जाती है, मैं कहूँ यार 1000 रुपये की राशि है, 1500 हो जाती है, इसका मतलब वो 1500 मिश्र धन ही तो हुआ। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। अगर आप मूलधन में ब्याज जोड़ देते हो तो मिश्र धन आ जाता है। ओके, सवाल ये कह रहा है कि कोई राशि है वो 3 साल में, भाई देखो ध्यान दे लो, टाइम तो आप लोगों को यहाँ पे कितना साल दिया हुआ है? टाइम आपको 3 साल दिया हुआ है। 3 साल में स्वयं की 7/6 गुणा हो जाती है। स्वयं की 7/6 गुणा हो जाती है, याद रखोगे, नीचे हमेशा मूलधन आएगा, ऊपर आपका ये मिश्र धन हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है 7/6 गुणा हो जाती है। इसका मतलब है अगर राशि 6 थी तो वो 7 हो जाती है। अब आप एक बात बताओ, अगर हमारी राशि 6 से 7 हो रही है तो आप मुझे ये बताओ हमें ब्याज कितना मिल रहा है? तो आप कह दोगे सर बात है ऐसी, अगर राशि 6 से 7 हो रही है ना तो ब्याज मिल रहा है 1 रुपया। अगर हमारी राशि 6 से 7 हो रही है तो ब्याज 1 मिलेगा। तो सुनो, ब्याज पता लग गया, मूलधन पता लग गया, समय पता लग गया, अपने को बताना है ब्याज की दर। देखो दोस्तों, आप चाहे कोई फॉर्मूला याद रखो चाहे मत रखो, पर ब्याज की दर का जरूर याद रखो। आप मुझे खुद बताओ,
साधारण ब्याज जो हमारा होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये हमारा साधारण ब्याज होता है बच्चों, है ना। अब बताओ अगर मुझे दर निकालनी है, अगर मुझे यहाँ से दर निकालनी है तो ये 100 तो जाएगा ऊपर, भाई जो चीज़ भाग में होती है वो गुणा में जाएगी और जो चीज़ गुणा में होती है वो भाग में आ जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ से दर का मान निकालना है तो मैं ये कह सकता हूँ ब्याज गुणा 100 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, तो ब्याज गुणा 100 आएगा और बटे में क्या आएगा, मूलधन गुणा समय, बटे में क्या जाएगा प्यारे भाइयों, मूलधन गुणा समय आ जाएगा। ओके, तो बस दर अगर आपको निकालनी हो तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय कर दो, तो ब्याज गुणा 100, मुझे बताओ ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर ब्याज है 1, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन कितना है मेरे भाई 6 और समय कितना है मेरे भाइयों, समय आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कितना साल दिया हुआ है, 3 साल आपको दिया हुआ है। अब आप देखो भाई अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 से ये 50 बार कट जाएगा और अगर मैं 2 से काटूँ तो ये 3 बार कट जाएगा। तो आप गौर से देखो, ऊपर तो आपके पास 50 आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 3 9, तो 50 में 9 का भाग देना है, तो भाग दे लो भाई, 9 5 45 बचेगा 5, ऊपर रख दो और जिसका भाग दे रहे हो उसको नीचे रख दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर हो जाएगी 5 से ही 5/9%। हमारे ब्याज की दर जो आएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 5 से ही 5/9% हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है। चलो ऐसे ही आप लोग समझते चलो चीजों को, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, चिंता तो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करनी है प्यारे भाइयों, सब कुछ मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ये मेरा वादा है। बस आप लोग लगातार रेगुलरिटी बनाए रखें, क्लास को रेगुलर लें, ऐसा नहीं है कि भाई आज हम लोग पढ़ रहे हैं कल हमने फिर क्लास का ऑफ कर लिया, अगले दिन फिर आ गया, मन में आ गए तब आ गए, मन में आ गए तब नहीं आए। 5 बजे हमारी क्लास होती है, कोई भाई 5:15 बजे जुड़ता है, कोई भाई 5:15 पे, कोई 5:20 पे, कोई 5:25 पे, तो ये तरीका गलत होता है। रेगुलर क्लास लो, सिखाने का वादा मैं करता हूँ। ओके, देखो भाई ध्यान दो, एक और सवाल आप लोगों के सामने है, ट्राई करेंगे। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल और 4 सालों में प्राप्त ब्याज का जो अंतर है वो 42 रुपये है, तो बताना है वो राशि क्या होगी। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये दर हमेशा वार्षिक होती है यानी कि दर जो होती है ना वो 1 साल की होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है बहुत बेहतरीन तरीके से, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक तो यहाँ पे 3 साल का ब्याज लेना है, एक यहाँ पे 4 साल का ब्याज लेना है, दर 5% है। मुझे बताओ 3 साल में 5% की दर से अगर ब्याज लगेगा तो टोटल ब्याज कितना परसेंट लग जाएगा, 15 लग जाएगा, और इसी प्रकार अगर 4 साल में 5% की दर से ब्याज लगेगा तो टोटल ब्याज कितना लग जाएगा, आप कह दोगे सर 20 लग जाएगा। बात आई समझ में भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर 3 साल में 5% के हिसाब से ब्याज लगाओगे तो टोटल ब्याज 15% लग जाएगा, और अगर 4 साल में 5% के हिसाब से ब्याज लग जाता तो 20% लग जाता। मुझे बताओ इनका अंतर दिया हुआ है, आपको इनका डिफरेंस दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से बताओ एक बार कि भाई अपने हिसाब से डिफरेंस कितना आएगा ये बताओ। तो आप कह दोगे सर देखो इनका जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आ रहा है 5% का, जबकि सवाल में जो डिफरेंस दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 42 रुपये का। सवाल में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 42 रुपये का, तो 5% का मान 42 रुपये है। अब देखो यहाँ से आप आराम से 10% का मान निकाल सकते हो, भाई एक बात बताओ 5 का डबल कर दो 10 आ जाएगा, तो इसका भी डबल कर दो भाई, 10% का मान 84 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आपको दोस्तों मूलधन बताना है, मूलधन के लिए हमेशा याद रखें कि आपको 100% का मान बताना होता है। ओके, 100% का बताना होता है। अब मुझे खुद बताओ अगर 10% का मान 84 दिया हुआ है, 100 का निकालना है तो भाई एक एक जीरो और बढ़ा दो भाई, 10 गुणा करना है, तो भाई आप सीधा सीधा यहाँ पे कर दो कि सर ये आ जाएगा 840 रुपये। कितना जाएगा भाई, 840 रुपये हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है ना भाइयों ये हमारे सवाल का एकदम करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, आया भाई सभी भाइयों को समझ में। ओके भाइयों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि जितना ब्याज 5 साल में 4% की साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये पर होगा उतना ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 3% की दर से कितने समय में होगा, ये वाला बताओ आप लोग। ये वाला सवाल एक बार आप सभी भाई ट्राई करेंगे, इस वाले का जवाब जो होगा जो वो क्या होगा एक बार आप बताएं दोस्तों, इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, कीजिए। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, बताएं भाई सब भाई।
देखो, जितना ब्याज इस राशि पर उतना ही ब्याज इस राशि पर। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि पहली कंडीशन में जो साधारण ब्याज है ना, वही ब्याज हमारा दूसरी कंडीशन में भी है। पहली कंडीशन में जो हमारा साधारण ब्याज है, वही ब्याज हमारा दूसरी कंडीशन में भी होगा, ये कहना चाह रहा है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये कह रहा है देखो, पहली लाइन में, पहली कंडीशन में देखो, आपको सब कुछ दिया हुआ है। मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं पता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये पहली कंडीशन में ब्याज हो गया। ये कह रहा है इतना ही ब्याज 8,000 रुपये पे 3% की दर से। मूलधन दर कितने समय में होगा तो टीका मान बताना है, टीका मान बताना है, बस इतना काम करना था। देखो ये कह रहा है जितना ब्याज 6,000 रुपये पे 4% की दर से 5 साल में मिलता है, जितना भी ब्याज मिलता है ना, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये पे 3% की दर से कितने साल में मिलेगा। भाई दोनों कंडीशन में ब्याज तो बराबर ही दिया हुआ है, दोनों कंडीशनों में ब्याज तो आपको बराबर ही दिया हुआ है, तो हमने ब्याज को बराबर कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, बटे में देखो इधर भी 100 आ रहा है, बटे में इधर भी 100 आ रहा है, काट दो। देखो ऊपर यहाँ भी 3 जीरो हैं, यहाँ भी 3 जीरो हैं, काट दो। ओके, देखो 8 तिया 24 होता है, और यहाँ भी 6 चौके 24 होता है, तो 24 से 24 कट जाएगा, टीका मान सीधा सीधा बच जाएगा। तो टीका मान कितना बच जाएगा दोस्तों? 5। यानी कि हमारे सवाल का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 साल। ओके, हमारे सवाल का जो एकदम राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, वो कितने साल आ जाएगा भाइयों? 5 साल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं ले रहा हूं, आपको इसका जवाब देना है। अगला सवाल आपके सामने है, बेहद आसान सवाल है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। आप सब भाई बताएंगे सवाल का आंसर जो है वो क्या होगा, बताओ भाई क्या आंसर होगा। तीस सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं, आंसर बताइएगा। देखो प्यारे भाई दिमाग लगाओ, 1600 रुपये की राशि है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ भाई आपको मूलधन दिया हुआ है, 1600 रुपये आपको मूलधन दिया हुआ है। टाइम की अगर बात की जाए तो 2 साल 3 महीना, सुनो 2 साल है, साथ में 3 महीना भी है, महीने को साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे दो, तो ये आएगा भैया 1/4। तो 2 से ही 1/4, इसका मतलब हो जाएगा 2 चौके 8, 8 और 1 9, और बटे में 4 है, यानी कि 9/4 वर्ष हो जाएगा, समय 9/4 वर्ष हो जाएगा। और भाई देखो आगे आप लोगों को दिया हुआ है ब्याज, आगे क्या दिया हुआ है आपको? ब्याज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है प्यारे भाइयों? 252। ब्याज कितना दिया हुआ है? 252 दिया हुआ है। आपसे पूछा है ब्याज की दर बताओ, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को सिखाया था, और ये आपको याद भी रखना है, दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है? 252। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन कितना है? 1600। समय कितना दिया हुआ है बताओ? तो समय दिया हुआ है 9/4। समय कितना दिया हुआ है? 9/4 दिया हुआ है। ओके, अब देखो भाई काटेंगे भाई मेरे भैया ना, देखो जैसे 4 से इसको काटो आप, 4 चौके 16, ये 400 आ गया है ना। देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये भी कट जाएंगे, 9 से इसको काट लो भाई, 9 दूनी 18, 7 बचेगा 72, 9 8 72, 28 में 4 का भाग देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 7%। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताएंगे सभी भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी? क्लियर है सारा मामला? उम्मीद है बेहतर तरीके से क्लियर होगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल ऐसा एक सवाल मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, वहां मिश्रधन दिया हुआ था, यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, तो एक बार आप इस सवाल को भी ट्राई करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है,
बताइए भाई। हाँ ध्यान से देखोगे भाई, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। देखो ये कह रहा है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 है। ध्यान से सुनेंगे, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ओके अब सुनना मेरी बात। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर हमारा मूलधन 9 है ना तो हमारा ब्याज कितना है 4। इसका मतलब ये हो जाएगा। ओके साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, मूलधन का 4/9 है, इसका मतलब अगर मूलधन 9 है तो ब्याज 4 हो जाएगा। अब सुनो, इससे पहले हमने जो सवाल किया था उसमें था राशि 7/6 गुणा हो जाएगी। इसका मतलब है मूलधन अगर 6 है तो राशि 7 हो जाएगी, तो ये तो मिश्र धन हो गया था। लेकिन यहाँ पे मिश्र धन नहीं दिया हुआ, यहाँ बात कर रहा है ब्याज की। ये कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो जो ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है। इसका मतलब मूलधन अगर 9 है तो ब्याज 4 हो जाएगा। आगे देखो, दिए गए धन पर ब्याज की जो दर है वो समय के बराबर है। आपको एक बात दोस्तों यहाँ पे दी गई है, क्या दी हुई है कि ब्याज की जो दर है ना वो समय के बराबर है, ऐसा आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ब्याज की जो दर है वो समय के बराबर है। अब एक बात आप समझने आ भाई, हमको क्या पूछा है, दर बतानी है। दर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, आप बस ये याद रखो कि भाई ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये याद रखो ठीक है। अब रख दो भाई, देखो ब्याज ब्याज कितना है आपको, हो गया 4। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन तो अपना 9 है। समय की अगर बात करें ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप लोग, अगर मैं समय की बात करूँ तो समय की जगह भी मैं आर ही रख सकता हूँ। आप बताओ भाई, टी और आर का मान बराबर है तो टी की जगह मैं आर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। अब सुनो, ये जो आपका आर है ये इधर आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, तो आर गुणा आर ये हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर। ऊपर देखो 4 गुणा 100, 400 आएगा, और नीचे तो भैया 9 है ही। अब आर का मान अगर मुझे निकालना है तो मैं अंडर रूट ले लूंगा, तो अंडर रूट में आएगा मेरा 400/9। 400/9 को अगर मैं सोल्व करूंगा, 400 का अंडर रूट 20 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो 20/3 आएगा। इसको सोल्व करो, 3 6 18, बचा 2 और भाग में है 3, तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3। कितना जाएगा मेरे भाइयों, 6 सही 2/3। क्लियर है, बहुत प्यारा सा सवाल है। हम जानते हैं दर बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, पर मैंने समय की जगह भी आर ही रख दिया क्योंकि मुझे दिया हुआ है प्रश्न में कि दर का मान और समय का मान आपस में बराबर है। ऐसा हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि दर और समय आपस में बराबर है, इसलिए हमने समय की जगह भी दर रख दिया। भाई तभी तो मान निकाल पाएंगे, अगर यहाँ पे भी हमने टी रख दिया तो फिर तो मान ही नहीं निकलेगा भाई, ना तो टी का निकलेगा ना आर का निकलेगा। इसीलिए सवाल में उसने एक कंडीशन हम लोगों को दे दी कि दर का मान और समय का मान आपस में बराबर है। ठीक है, दोबारा देखो, कोई राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, इसका मतलब होता है मूलधन अगर 9 हो जाएगा तो ब्याज 4 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, दर और समय बराबर है, फिर का दर बताओ, तो हम जानते हैं दर तो ये होता है, तो दर तो ये होता है। आप नॉर्मल भी फॉर्मूला लगा सकते थे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, वहां से भी आप पक्षांतरण करके सारे मान निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ये याद हो, आप अगर नॉर्मल वाला भी याद रखते हो तो भी आप पक्षांतरण करके सारे के सारे मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो। ओके ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, तो मैंने कहा ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, भाई ये आर में इधर ले आया, आर गुणा आर आर स्क्वायर हो गया, ये 400/9 है। स्क्वायर हटाते हैं तो सामने रूट आ जाता है, 400 का रूट 12 20 होता है और 9 का रूट 3 होता है, तो 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3। अगला सवाल, अगले सवाल से पहले बताना चाहूंगा आप सभी भाइयों को कि भाई अपने यहाँ पे सेंटर्स पर जितने भी अपने सेंटर्स हैं, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, प्रयागराज, जोधपुर, जयपुर और इंदौर, इन सभी सेंटर्स पर एसएससी के फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने को जा रहे हैं। एसएससी के फाउंडेशन बैच, अगर कोई भी भाई या बहन आप में से एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, इनकी तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। हम पूरे जी जान लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ, और आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ अब मैं जीवन में कुछ जरूर
जरूर कर सकता हूँ। निश्चित रूप से हम जी जान लगाएंगे, आपको एहसास दिलाएंगे कि भाई हम बेस्ट हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, CGL, CPO और CHSL के ये फाउंडेशन बैच हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। और मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, प्रयागराज से बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल शाम को 3 बजे, 10 अप्रैल शाम को 3 बजे ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। जोधपुर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसका जो डेट है वो 12 अप्रैल है शाम को 2 बजे, जयपुर से 12 अप्रैल सुबह 7 बजे, ये हमारा डेट है बैच का 12 अप्रैल सुबह 7 बजे, टाइमिंग दिया हुआ है सुबह 7 बजे का। और इंदौर से भैया ये जो बैच है 12 तारीख को ही है और इसका जो टाइमिंग है दोस्तों मॉर्निंग में 8 बजे आपका होने वाला है। सारे एड्रेस वगैरह दिए हुए हैं आप लोगों को, सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं, कहीं भी आप लोग कोई भी क्वेरी आप लोगों को करनी हो तो आप लोग इन कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह पे बात करके आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जरा बताएंगे आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, 400 रुपये की राशि है, 4 साल में 480 हो जाती है, अगर ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये वाला बताओ। 30 सेकंड का टाइम आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, एक बार बताओगे इस वाले का आंसर क्या होगा, बताइए भाई। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, एक बार मैं आपको इस सवाल का बेसिक तरीका सिखाऊंगा और एक बार मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, सोचने वाली जो हमारी अप्रोच होती है उससे हम लोग सवाल को सीखेंगे। ओके, मूलधन दिया हुआ है 400 रुपये, ध्यान से सुनना, मूलधन दिया हुआ है 400 रुपये, टाइम दिया हुआ है 4 साल 4 ईयर और मिश्रधन दिया हुआ है 480। बोला गया है, क्या बोला गया है, 400 रुपये की राशि 4 साल में 480 हो जाती है, मुझे बताओ कितना ब्याज मिलेगा। तो आप कह दोगे सर देखो ब्याज यहाँ पे मिलेगा 80 रुपया, ब्याज का मिलेगा 80 रुपया आपको मिलेगा, यहाँ पे ब्याज की अगर बात की जाए तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा दोस्तों 80 रुपये। ओके, बोला क्या गया है पता है, अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो पहले दर तो निकालो, तभी तो 2% बढ़ा पाओगे, तो भाई दर निकाल लो। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है 80, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन आपको 400 दिया हुआ है और समय दिया हुआ है दोस्तों 4 साल, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 चौके 16, 80 में 16 का भाग दोगे दर आएगी 5%, दर आएगी 5%। अब बोला क्या गया है, अगर ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, सुनो मेरी बात, अब वो कह रहा है ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो नई दर हो जाएगी 5+2, यानी कि नई दर हो जाएगी 7%, मूलधन वही है, तो पूछा है नया मिश्रधन बताओ। तो एक बार आप ब्याज निकाल लो, मूलधन तो वही है भाई 400, दर 7 हो गई, समय भी 4 साल ही है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो मैंने ब्याज निकाला, ये आ गया देखो 4 7 28 और 28 चौके 112, तो ब्याज कितना आ गया 112 रुपये आ गया। अब उसने कहा मिश्रधन बताओ, नया वाला मिश्रधन बताओ, तो 400 रुपये की राशि है, 112 का ब्याज मिल गया, तो नया मिश्रधन कितना हो जाएगा, आप कह दोगे सर 512 रुपये हो जाएगा, आप कह दोगे 512 रुपये हो जाएगा। ये तो मैंने पूरा का पूरा बेसिक आप लोगों को समझाया है, इस सवाल का पूरा बेसिक आप लोगों को मैंने समझाया है। अब मेरी बात को सुनेंगे भाई, इसको डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, आप मुझे खुद बताओ, मूलधन कितना दिया हुआ था 400 रुपया, टाइम कितना दिया हुआ है 4 साल, और मिश्रधन कह रहा है कि भाई 480 हो जाती है, वो जो राशि है 480 हो जाती है। सवाल में बोला अगर ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, आप एक बात मुझे बताओ, जो भी दर पहले लग रही थी वो तो अब भी लग रही है, बस वो 2% बढ़ा ही तो रहा है,
तो बस आप 2% के हिसाब से एक्स्ट्रा ब्याज निकाल लो, कितना मिल रहा है भाई। राशि 400 से 480 हो रही है, वो तो अभी होगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ब्याज को हमने बस 2% बढ़ाया है, तो बस आप एक्स्ट्रा ब्याज निकाल लो, कितना मिलेगा भाइयों। 4 साल तक अगर 2% एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा तो टोटल 8% एक्स्ट्रा ब्याज लग जाएगा। प्रतिवर्ष 2% बढ़ाना है तो 4 साल में तो 8% एक्स्ट्रा मिलेगा, और ब्याज मिलता है मूलधन पर। मूलधन कितना है? 400। तो मेरे भाई 400 का जो 8% होता है ना, परसेंट हटा के नीचे 100 लगाऊंगा, 2 जीरो कटेंगे, 800 के 32, ये कितना आता है? 32 आता है। तो इसका मतलब है पहले से 32 एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, पहले से 32 एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो राशि 480 तो हो ही रही थी, अब उसमें 32 और जोड़ दो, इसका मतलब हमारी जो राशि है ना वो 512 रुपये हो जाएगी। हमारी राशि कितनी हो जाएगी? 512 रुपये हो जाएगी। क्लियर है? बेहद आसान तरीके से समझने का प्रयास करोगे, सुनो, मोजोबानी किया जा सकता है आराम से, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मोजोबानी कैसे किया जा सकता है भाई? 400 रुपये की राशि है, 4 साल में 480 हो रही है, अब ब्याज को 2% बढ़ाना है, तो 4 साल में 2% के हिसाब से बढ़ाएंगे तो टोटल 8% बढ़ जाएगा। अगर 8% बढ़ जाएगा तो 400 का 8% तो 32 होता है, यानी कि पहले से 32 रुपये ज़्यादा मिलेगा। और अगर पहले से 32 रुपये ज़्यादा मिलेगा तो राशि हमारी 512 रुपये हो जाएगी। 480 तो पहले ही हो रही थी, अब पहले से 32 रुपये ब्याज भी ज़्यादा मिल रहा है, तो राशि कितनी हो जाएगी? 512 हो जाएगी। सिंपल, क्लियर है कि नहीं, बताओ आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ऐसा सवाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, एक बार फिर से ये सवाल आप लोगों के सामने है, देखते हैं कितने भाइयों को इस सवाल का कंसेप्ट याद है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये सवाल करवाया था, बताइए भाई। देखिएगा, बेहद आसान अप्रोच आपको मैंने इस सवाल की बताई थी। पता है क्या बोल रहा है? किस वार्षिक दर से, यानी कि दर का मान तो हमें बताना ही है, यहाँ पे दर का मान तो बताना ही है, किसी राशि का 10 सालों का साधारण ब्याज, टाइम आपको दिया हुआ है कितना? 10 साल। बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। इसका मतलब मूलधन अगर 5 है तो ब्याज कितना? ब्याज 2 है, यही तो कहना चाहता है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, इसका मतलब अगर हमारा मूलधन 5 है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, सब भाई ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि भाई अगर मूलधन 5 है, ब्याज 2 है, समय 10 साल है, तो मुझे दर ही तो बतानी है। तो दर का मान तो होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है भाई? 2। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन मेरा भाई 5 है और समय कितना साल है? 10 साल है, तो भाई 50 हो गया, 50 से 100 दो बार, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आ जाएगा? इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% आ जाएगा। ठीक है भाई, दर हमारी कितने प्रतिशत आ जाएगी साथियों? तो आप कह सकते हो सर 4% हमारी दर यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? चलो अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि यार 1750 रुपये की राशि है, इसको दो भागों में बांटना है। पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पे 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, ये बराबर हैं, तब प्रत्येक भाग पे कितने रुपए ब्याज मिला है ये आपको बताना है। ठीक है, दोनों भागों पर जो ब्याज दिया हुआ है वो आपस में बराबर दिया हुआ है, तो बोला गया है कि बताओ तो सही भाई कितना ब्याज मिल रहा है प्रत्येक भाग पर। भाग नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि पहला भाग कितना था, दूसरा भाग कितना था, ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो सारी कहानी आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक बार आप लोग ट्राई करोगे, 30 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। चलिए भाई, 30 सेकंड आपके होने वाले हैं, एक बार ट्राई करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। चलो भाई, पूरे हो गए हैं आप लोगों के 30 सेकंड, और अब आप समझना ध्यान से सुनना सब भाई, है ना।
बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। 1750 रुपये की राशि है आपके पास, टोटल 1750 रुपये है। हमने इसके दो भाग कर दिए, एक भाग तो इसका ए हो गया और एक भाग इसका बी हो गया, ऐसा मान लो। बोला गया है पहले भाग पे 8%, दूसरे भाग पे 6%। पहले भाग पे ब्याज लग रहा है 8% और दूसरे भाग पे ब्याज लग रहा है 6%, ये भी हमें पता है। बोल रहा है 1750 रुपये की राशि को दो भागों में बांटा जाना है, पहले भाग पे 8% और दूसरे भाग पे 6% वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज का मतलब होता है दोस्तों कि टाइम आप कितना साल ले रहे हो, आप एक साल ले रहे हो। टाइम आप कितना साल ले रहे हो, एक साल ले रहे हो। दोनों भागों पे ब्याज बराबर है। ब्याज बराबर होने का मतलब होता है कि भाई पहले वाली राशि पर ब्याज और दूसरी वाली राशि पर ब्याज, ये आपस में बराबर दिया हुआ है। और ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इसका मूलधन मैंने ए माना है, मूलधन गुणा दर 8 है, समय 1 साल है, बटे में 100। ये तो पहले वाले भाग पर ब्याज हो गया, दूसरे वाले पर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन तो कितना है मेरे भाई, इसका बी है। मूलधन कितना है इसका, बी है। दर कितनी है, 6 है। समय अपना 1 है और बटे में कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे में कितना जाएगा मेरे भाई, 100 आ जाएगा। ठीक है, देखो 100 से 100 कट गया। यहाँ पे आप देखो भाई, इन दोनों को भी काटा जा सकता है। जैसे 2 से तो ये कटेगा 4 बार और 2 से 6 कटेगा 3 बार। तो देखो अगर मैं ए और बी का अनुपात यहाँ से निकालता हूँ, ए और बी का, तो भाई ए के सामने ए का मान आएगा जो कि 3 है और बी के सामने बी का मान आएगा जो कि 4 है। ओके, अब देखो 3 और 4 का अगर मैं टोटल करता हूँ तो टोटल आता है हमारे पास 7 यूनिट, जबकि सवाल में टोटल कितना दिया हुआ है, 1750। 7 का मान 1750, 1 यूनिट का निकाल लो, 25 × 7 = 175 होता है, तो 1 का मान 250 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो ए का निकालता हूँ या मैं बी का निकालता हूँ, मान लो मैं बी का निकाल रहा हूँ 4 का मान, आसान हो जाएगा ना। 1 का मान 250, 4 का मान 1000 आएगा। इसका मतलब ये हो गया मेरा जो सेकंड भाग था बी का मान वो 1000 है। तो पहला भाग भी निकाल सकता हूँ, 1750 में से 1000 घटाओ, 750 पहला भाग है। आपको बताना है लेकिन ब्याज, आपको ब्याज बताना है। तो देखो इस सेकंड वाले पार्ट से निकाल लो ब्याज, इसी वाले से निकाल लो। बी की जगह तो कितना रखना है, 1000, यहाँ पे 6 है, समय 1 ही साल है और बटे में कितना है, 100। तो भाई ये कट जाएगा और 6 × 10 कितना हो जाएगा, 60। 6 × 10 कितना हो जाएगा, 60। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखो वापस से समझोगे, 1750 का मैंने एक भाग ए मान लिया, एक भाग मैंने बी मान लिया। पहले को 8% पे दिया, दूसरे को 6% पे दिया, 1 साल के लिए। दोनों पर ब्याज बराबर है। तो ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ भी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये ब्याज हो गया। यहाँ से ए और बी का अनुपात निकाल लिया, अनुपात आया है मूलधन का, तो मैं कहूँगा टोटल 7 आ रहा है। सवाल में कह रहा है टोटल तो 1750 है, तो 7 यूनिट का मान 1750 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अगर दोस्तों 1 यूनिट का मान 250 आ रहा है, तो यहाँ से 4 यूनिट का मान हम इजिली निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा। ये बी का मूलधन आया है, हम यहां से ए का भी मूलधन निकाल सकते थे। 1 यूनिट का मान 250 है, अगर मैं 3 यूनिट का मान यहां से निकालता तो मुझे 250 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी कि ए का मान यहां 750 रुपये आ जाता। और अगर मैं 750 को यहां पे रख देता हूं तो भी मेरे पास ब्याज आ जाएगा, और तो भी ब्याज कितना आएगा, 60 आएगा, क्योंकि ब्याज तो दोनों कंडीशन में बराबर है। मुझे बी से थोड़ा इजी लगा, मैंने यहां पे दिमाग लगाया, बी यानी 4 का मान बताना है, 1000 आएगा, 1000 यहां रख दूंगा तो ब्याज आ जाएगा हमारे पास 60 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोग इतनी ही बातें कवर करने वाले हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आप लोगों को हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। और आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को भी आप हमेशा की तरह लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, तो चलिए भाई मुलाकात करते हैं कल वापस शाम को 5 बजे हमारे अगले सेशन में, साधारण ब्याज के और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ख्याल रखेंगे अपना।